देखिए, हमारे राम कपूर प्रिया के हीरो हैं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन आज वो अपनी हीरोपंती से ना सबको चित करने वाले हैं। एंड मजे की बात तो ये है कि इनकी इस हीरोपंती में ना वो फिल्मी वाला धूम धड़ाम बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बड़े ही सभ्य तरीके से, लाइक अ ट्रू जेंटलमैन, ये अपनी हीरोपंती दिखाएंगे। मिस्टर राम कपूर अपनी पत्नी प्रिया के लिए तो हीरो बन गया है, और वो हीरो बने भी क्यों ना, क्योंकि राम ने हमेशा हीरोपंथी वाले ही तो काम किए हैं। कभी वो प्रिया के लिए कुछ भी कर गुजरता है, तो कभी प्रिया की फैमिली के लिए। और हाँ, अपनी फैमिली की बात आती है तो वो तो सारी हदें पार कर जाता है। अब इस बार राम को एक नया चैलेंज मिला है ईशान को समझाने का, उसके मन में अपने माँ पापा के लिए विश्वास जगाने का। तो इस काम में राम जरूर पास होगा। देखो ना, पता नहीं ईशान कहाँ चला गया, वो तो इस जगह को पहचानता भी नहीं है। कहाँ गया होगा, कैसा होगा? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना, हम ईशान को ढूंढ निकालेंगे। रश्मि परेशान मत होगी, ईशान मिल जाएगा, उसे ढूंढ लेंगे। मिस्टर कपूर है ना, अब ढूंढ लाएंगे ईशान। ढूंढेंगे ईशान, अभी नीचे आए राम जीजू ही इज लाइक अ सुपरमैन, जो हर चीज ठीक कर देंगे। तो वही चीज मैं अभी भी बोल रही हूँ कि राम जीजू हैं, वो सब ठीक कर देंगे, एज वो सब कुछ ठीक कर ही देते हैं। तो प्रिया दी और राम जीजू अचानक से आ जाते हैं, मतलब एज उनको पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया, ईशान गायब हो गया घर से। तो वो आके लाइक दीदी को संभालते हैं, मम्मा को संभालते हैं, और राम जीजू एज हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। तो आई होप कि ये जो माँ है जो रो रही है, इनका बेटा इनके पास बहुत जल्दी आएगा। अब प्रिया के पापा इसमें बहुत सारी अड़चने तो डालेंगे, लेकिन कोई नहीं, राम इस बार भी वो काम कर दिखाएगा। फिलहाल प्रिया की बहन सारा और उसके जीजा जी बहुत परेशान हैं, क्योंकि ईशान कहीं चला गया है। उसे लगता है कि घर में उसे कोई प्यार नहीं करता है। अब बच्चों का क्या, उनके दिमाग में तो जो बातें डाली जाएगी वो घर कर जाती है। मिस्टर सूद ने जो उल्टी पट्टी पढ़ाई ईशान को, वो उस बात को सच मान बैठा है। एक सदस्य है हमारा जो घर से भाग गया है। कौन है ये सदस्य? ये सदस्य जो ये मोहतरमा खड़ी हैं, इतनी यंग सी हैं, बताओ यार, उनका बेटा है जो घर से गायब हो गया है, भाग गया है, पता नहीं क्यों भाग गया है। और सब इसलिए बहुत टेंस्ड है, लाइक उसकी जो नानी, मेरी मम्मा, दीदी, हम लोग सब बहुत टेंस्ड हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, एज वो अचानक ही घर से भाग गया है। सो पूरा टेंशन का माहौल है घर में। अब राम, जब प्रिया ने आप पर भरोसा किया है, तो भाई भरोसा जीत कर दिखाइए और ईशान को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बीते दिन Amazon Prime ने की घोषणा कि इस साल वो आपको क्या क्या नया कंटेंट परोसने वाले हैं। जी हाँ, जिसमें कई फ्रेश सब्जेक्ट्स तो है ही, साथ ही कुछ सुपर डुपर हिट सीजन्स के दूसरे सीजन्स यानी कि सीक्वल्स भी है। और यकीन मानिए, इट वाज अ शो टू वॉच। ऐसा लगा कि सारे के सारे सितारे जो है ना, वो जमीन पर उतर आए।
मचेगा मचेगा। ओटीटी की दुनिया में धमाका जरूर मचेगा जब एक नहीं दो नहीं बल्कि 41 ओरिजिनल कंटेंट्स आपके घर में आएंगे एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे यहाँ धमाका होना तो बनता है क्योंकि फर्जी, गुलकंद, मॉडर्न लव नियत, हश हश, मिर्जापुर 3, द फैमिली मैन, मुंबई डायरीज, पाताल लोक। जैसे आपने देखा हमने भी फर्स्ट टाइम सीजन 3 का कुछ ऐसे झलक देखी है सोशल से, सो वी वर वेरी एक्साइटेड इस वेल। हमको पता नहीं था कि वो टीजर दिखाएंगे कि सिर्फ अनाउंस करेंगे या एक स्लेट आएगा, सो वी वर इक्वली एक्साइटेड जस्ट लाइक यू गाइस। हम भी ऐसे विंग्स में बैठ के चिल्ला रहे थे व्हेन द टीजर केम। सो या इट लुक्स नाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड जैसे ही शूट खत्म होती आई थिंक वी विल बी रेडी टू रिलीज। Okay. To Mirzapur ka next season. Also Modern Love, the Mumbai series, that I'm really excited to see because jo iska original hai Modern Love New York, wo mujhe bahut pasand hai. So Made in Heaven, Tiku Wed Sheru जैसे कई बड़े कॉन्टेंट्स आपके लिए एंटरटेनमेंट लाने जा रही हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? हमें भी नहीं हुआ था, तभी तो हम पहुंच गए हैं इस इवेंट पर और किया इस इवेंट को अपने कैमरे में कैद। सबसे पहले शाहिद ने किया अपने शो फर्जी को प्रमोट, तो वहीं कंगना और करण एक ही छत के नीचे दिखाई देंगे इसका अनुमान शायद ही किसी ने लगाया था। वैसे इस इवेंट में विद्या बालन ने किया नियत के टीजर को लॉन्च, तो वहीं माधुरी दीक्षित ने किया डांस अपने अपकमिंग शो मजामा के लिए। इस इवेंट के बाद हुआ ब्लू कार्पेट जहां एक एक करके सभी सितारों ने ली ग्रैंड एंट्री और आप भी देखिए इसकी एक झलक। डंकी की चोट पर अपने शोज का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सतर्क होने की जरूरत है वरना कहीं ऐसा ना हो कि फैंस बस इन्हीं शोज से दिल लगा लें। मुंबई से स्नेहल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रोलिंग रोलिंग। हाँ हाँ एक मिनट। फोन बंद कर तो क्या आ रहा है फोन में? ऐसा क्या है फोन में? अरे फोन में बहुत कुछ होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत कुछ होता है जी हाँ। कम से कम आजकल लोगों को देखकर तो ऐसा ही लगता है क्योंकि हर कोई चिपका जो रहता है अपने फोन से। ऐसे में चलिए आज अंजलि ततरारी से ही पूछ लेते हैं व्हाट्स इन द फोन। हाय मैं हूँ अंजलि ततरारी, आप लोगों की कृषा चतुर्वेदी, और आज मैं SPS के साथ करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय फोन। It says believe. आज मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं करा, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर, अब मैं चेंज कर लूँगी। सो बेसिकली बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन एवरी थिंग दैट यू डू, सो बिलीव, दैट्स सॉर्ट ऑफ मुझे मोटिवेशन देता है। अपने फ़ोन पे जो सबसे ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ मैसेजेस, आई थिंक मैसेजेस ज़्यादा आते नहीं है ना, तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा पता क्या होता है? जोमैटो। दिस एक तो वो जो पपी आईज विद दैट थोड़ा वाटर आँखों में आंसू वाला, एंड देयर इज दिस इमोटिकन जो अभी नया नया है, एंड एक्चुअली कोरियन में आई लव यू या किसी को प्यार करना है तो ऐसे करते हैं, सो एक हार्ट बनता है। सो ये इमोटिकन अभी अभी आया है एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ऐसे करती रहती थी, तो अब मैं ये भेज देती हूँ सबको।
फेवरेट थ्रोबैक जो देखना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी अब तो. ओ हाँ, सो अभी रिसेंटली मैंने एक्चुअली एक Q&A किया था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने लोगों को बोला था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, तो मैंने उन्हें पूछा बता दो आप लोगों को क्या सवाल पूछने मुझसे. सो आई रिमेंबर मेरे डैड की दुल्हन का, हम लोग जब दुबई गए थे तो अभी जिस मेरे को एक्टर के साथ जो पिक्चर्स थी, सो या दीज थ्रो बैक पिक्चर्स, काफ़ी फन शूट था हम लोगों का. सो ये ओ सॉरी, सो दिस वॉज विथ फेमा. मम्मी होंगी, मम्मी या मम्मा ओनली, माँ लास्ट भी उनको ही किया था मैंने. दिस वॉज सम रैंडम कॉल फॉर न्यू शो दैट आई हैड गॉट. ये मॉम को कॉल किया भी, एक फोन, फोटोज, इंस्टाग्राम. चलो ठीक है, इंस्टाग्राम लास्ट में अपने एक फ्रेंड को कुछ भेजना था वो, एंड व्हाट्सएप इज लॉक्ड. आई थिंक आई हैड रियली लाइक जो मैंने ZRA में पहना था, यूजली आउट ऑफ कैरेक्टर थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें फुल साड़ी सुशील बहू की तरह रहना पड़ता है, बट आई थिंक दिस वॉज अ प्री गुड आउटफिट दैट आई हैड वोन. एक ये और दिस वन जो ZRA की आउटफिट थी, आई थिंक दिस वॉज अ प्री गुड लुक. सो दिस यार, मैं फ़ोन पे गेम्स नहीं खेलती, बट आई एम एक्चुअली बहुत बड़ी गेमिंग फ़ैन. इनफैक्ट मैं अभी, मेरे भाई ने मुझे एक नया गेम इंट्रोड्यूस करवाया था, वेलोरेंट एंड इट्स लाइक अ शूटिंग गेम एंड ऑल. सो मैं बचपन से ना गेमिंग में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व रही हूँ, और रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर डाला भी था, सो मेनी पीपल हैव मैसेज मी, ओ तुम वेलोरेंट खेलती हो एंड ऑल. सो या, सो फ़ोन पे नहीं बट लैपटॉप या कंप्यूटर पे, यस. मेरे को जो डिफाइन करती हो अभी ले लेते हैं, दैट्स मी ऑलवेज स्माइलिंग एंड होपिंग कि सारे एनवायरमेंट भी थोड़ा सा हैप्पी गो वाइब वाला रहे, बिकॉज आई लाइक टू शूट लाइक दैट. मैं ना बीच बीच में डिलीट करती रहती हूँ, बट अभी फिलहाल आई हैव 11,650. फैमिली पिक्चर नहीं, लास्ट मैंने फैमिली में से किसी के साथ अगर ली हो तो माय कज़िन, जो आज वो वापस चला गया गोवा, बट उसके साथ मैं क्यूटली एक वीडियो लिया था, सो इट्स डैम क्यूट. सो दिस वाज द लास्ट वीडियो जो मैंने अपने किसी घर के मेंबर के साथ लिया था. वर्स्ट पिक्चर तो बहुत है. ये अच्छा सवाल पूछ लिया आपने मुझे. मैं बड़े अजीब से डिस्टॉर्टेड से फेस बनाती रहती हूँ. वर्स्ट पिक्चर नहीं, पता नहीं ये एवी ने ही बीच बीच में शॉर्ट में के, जब मैं एक्चुअली ऐसा ध्यान नहीं था तब ली थी उसने, तो इसके बाद उसने मुझे बोला ऐसे गुस्से में नहीं रहना चाहिए तुझे. सो ये एक रैंडम पिक्चर थी मेरी. सो बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू शो दैट आई एम ऑलवेज ऑन द फोन, जो कि सच नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, और थैंक गॉड ऐसा कुछ था नहीं मेरे फ़ोन में, बट हाँ नहीं नहीं मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ है नहीं, मम्मी भी यूज़ कर लेती है कुछ ज़्यादा, पासवर्ड्स भी नहीं लगाए मैंने, पासवर्ड भी पता है मम्मी को, सो नथिंग लाइक दैट. बट काफ़ी मज़े आए ये सीक्वेंस करके, और काफ़ी थ्रोबैक में भी चले गए हम लोग, सो थैंक यू. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भाई आखिरकार क्या हो गया ये कुंडली भाग्य की प्रीता को, देखिए ना इनकी पीठ पर इतने सारे निशान. भाई किसी ने क्या प्रीता पर चाबुक चलाया, मारपीट हुई, आखिरकार हुआ क्या? Thank you.
ये फुटेज देखकर आप भी चौंक गए ना। हम भी कुछ ऐसे ही चौंक गए थे जब हमने देखा कि टीवी की बहू रानी प्रीता कितनी तकलीफ में है। अब श्रद्धा ने हाल ही में एक कप थेरेपी करवाई है और उसके तुरंत बाद वो शूटिंग पर भी लौट आई। अब आपको बता दे ये कप थेरेपी होती क्या है। जब काम बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिलता और हमारा पूरा शरीर स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके चलते मसल्स टाइट हो जाते हैं और उसका दर्द इतना भयंकर होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग कप थेरेपी करवाते हैं, जिससे दर्द बहुत कम होता है और यकीन मानिए इससे राहत भी बहुत मिलती है। तो हाल ही में श्रद्धा आर्या यानी कि प्रीता ने भी कप थेरेपी करवाई है। हालांकि वो बार बार अपने पीठ को साड़ी के आंचल से छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैमरे पर ज्यादातर ये छुप न सका। अब श्रद्धा, शादी के बाद आपकी भागम दौड़ी भी तो बढ़ गई है, घर पर और काम पर ये दोनों जगह पर ध्यान देना पड़ता होगा, तभी तो आपको रेस्ट का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा होगा। यकीन मानिए छोटी सी एक छुट्टी लीजिए और आराम करके आइए। अब वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो ऐसे में आपको आराम करना चाहिए। अब वो असल में भी परेशान है और सीन को लेकर भी, क्योंकि घर वालों को लग रहा है कि प्रीता ने करण को फंसाया है मैच फिक्सिंग में। तो वहीं समीर को पता चल गया है कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि पृथ्वी का करा धरा है। वो दौड़ा दौड़ा आया और डिशुम डिशुम करने लगा पृथ्वी के साथ। खैर, पृथ्वी ने हमेशा की तरह खुद को बचाने के लिए प्रीता का नाम आगे कर दिया। जब विलन बना था ना, तो मैंने शाहरुख सर का एक इंटरव्यू सुना था, तब से सीखने को मिल गया था कि मारो दिल से, मारो मार खाओ दिल से मार खाओ, ये एक असली आर्टिस्ट की पहचान होती है। तो मैं उन्हीं की सीख पे चलता हूँ। हम फैंस को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ कुंडली भाग्य देखते रहिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत थप्पड़ पड़ रहे हैं और बहुत से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, सो जस्ट कीप वॉचिंग इट। अब घर वाले भी बहुत सोच में पड़ गए हैं कि पृथ्वी को सही माने या प्रीता को। अब देखिए, पृथ्वी तो कभी सही हो ही नहीं सकता, आप सब ये बात जानते हैं। तो आपके लिए यही सही होगा कि अपनी बहू प्रीता की बात माने। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मोह से छल किए जाए, अब ये तो हर कोई जानता है कि अरमान जो है, इनका तो पूरा ये जो रिलेशनशिप है विद सौम्या इज बेस्ड ऑन अ छल। और अब तो ये ब्लेटेंटली खुलेआम कर रहे हैं अपने ऑफिस में। जी हाँ, ठीक है, आप अपनी पत्नी से छलावा कर रहे हैं, आपका रिश्ता झूठा है, लेकिन इस तरह ब्लेटेंटली आवारागर्दी करना कुछ अच्छा लगता है क्या?
अरमान और प्रिशा का आजकल चक्कर चल रहा है। ऑफिस में तो वो प्रिशा के साथ अफेयर करता ही है, लेकिन अब तो घर पर भी प्रिशा और अरमान का अफेयर शुरू हो गया है। ये देखिए, स्ट्रेस में बैठा है अरमान, तभी प्रिशा आ गई अरमान के पास और उसका दर्द कुछ इस कदर से दूर करने लग गई मानो कि वो उसकी पत्नी हो। अरमान भी तो प्रिशा को फुल मौका दे रहा है। दोनों का रिश्ता लगता है अब आगे बढ़ने वाला है। अब ये अपनी हद पार करके आगे तक बढ़े, इससे पहले सौम्या आ गई। अब सौम्या तो आई है यहाँ पर अरमान को मनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले इन दोनों का छोटा सा झगड़ा हुआ था। अब हमेशा की तरह पहल सौम्या ने ही की, क्योंकि वो जानती है कि बहुत जल्द उनका बच्चा इस दुनिया में आएगा और अगर माँ बाप ऐसे ही लड़ते रहे तो इसका असर बच्चे पर अच्छा नहीं पड़ेगा। जी, हमारे बीच में थोड़ी बहस हो गई थी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो बस मैंने भी चिल्लाया, उन्होंने भी चिल्लाया, बट मैंने पहलू किया कि यू नो आई एम सॉरी एंड यू नो जो भी हुआ है लेट्स फॉरगेट इट, हमारा बेबी आने वाला है, मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़ाई की वजह से हमारे बेबीज़ पर कोई भी किस्म का असर पड़े, सो बस वही था एंड इट्स ऑल एंडिंग वेल फॉर सौम्या अकॉर्डिंग टू हर। अब सौम्या तो समझदार है, उसने समझदारी से अरमान को समझाने की कोशिश की, लेकिन अरमान का वही ड्रामा जो वो हमेशा करता है, सौम्या के सामने तो अच्छे से मान गया लेकिन अंदर ही अंदर वो वही करेगा जो उसे करना है। फिलहाल वो डर रहा था कि कहीं सौम्या ने प्रिशा को देख लिया तो क्या हो जाएगा। अब अरमान बाबू, आप डरिए मत, क्योंकि ये सीरियल की कहानी है, इतने जल्दी अगर पत्नी को अपने पति के अफेयर के बारे में पता चल जाएगा तो कहानी में मजा नहीं आएगा, इसीलिए आप टेंशन ना ले, अभी बहुत टाइम है सौम्या को आपके अफेयर के बारे में पता चलने के लिए। मुंबई से सुरभि रहसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल ये है चाहते में, ड्रामा जो है ना वो मेलो ड्रामा बनता जा रहा है फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि जिस लड़के की लाश प्रीता और रुद्राक्ष ने घर में छुपा कर रखी है, उस लड़के की मम्मी आ गई है घर में। अब पॉइंट की बात ये है कि किसी तरह इस मामले को रफा दफा करना है। रेवती अब बार बार अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते प्रिशा और रुद्र के दरवाजे पर चली आती है। अब वो एक पुलिस वाली है तो ऐसे में कोई न कोई बात तो उसे अंदर से खा रही है कि उसका कनेक्शन इस घर के लोगों से जरूर है। रेवती का बेटा देव इज मिसिंग और इट्स ऑलमोस्ट 2 days नाउ और उसे ढूंढने की कोशिश करी है। वो उसके मैसेजेस आ रहे हैं कि वो गोवा में है लेकिन वो गोवा में भी कहीं मिल नहीं रहा है। उसने सब ट्रैक किया है, सारे ट्रांसपोर्ट्स ट्रैक किए हैं लेकिन उसे ऐसे नहीं लग रहा है कि वो गोवा में है। अब रेवती को मैसेज आया था कि देव गोवा में है, लेकिन वो नहीं जानती है कि ये मैसेज देव ने नहीं बल्कि रुद्र ने किया था। अपने गुमशुदा बेटे को लेकर वो परेशान है और अपनी परेशानी रुद्र और प्रिशा से शेयर भी कर रही है। कितने सारे प्लान्स बनाए प्रिशा और रुद्र ने और देव की बॉडी को छुपाने के, और बहुत सारे प्लान्स हमारे काम भी आए हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक रेवती को पता नहीं चला है कि देव की बॉडी है हमारे पास और देव का क्या हुआ है। अब रुद्र और प्रिशा के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि देव को लेकर उसकी माँ कितनी परेशान है, वो तो अपने परिवार के बारे में सोच रही है।
जहाँ तक रुद्र है वो अपने परिवार पर आज तक नहीं आने देगा और प्रिशा रुद्र का साथ देगी। अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं बट अभी एक तरफ से देखा जाए तो है तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है कि बॉडी छुपा रहे हैं, ये सब करते हुए नहीं दिखाए गए हैं, तो इंटरेस्टिंग तो ऑब्वियसली चल ही रहा है और बहुत ज़्यादा थ्रिल क्रिएट कर रहे हैं कि आगे क्या करेंगे कि देव का सच भरना है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, कभी न कभी तो रुद्र पर शक होगा ही, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला है कि स्कूल के अंदर देव आया तो था लेकिन फिर कहां गायब हो गया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। अब बाहर के कैमराज में पता लग गया है कि वो स्कूल पहुंचा था तो फिर स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में क्यों नहीं दिख रहा है वो, सो ये थोड़ा सा उसके मन में डाउट है, उसमें कुछ तो छेड़छाड़ हुई है, समवन हैज डिलीटेड सम फुटेज, तो उसके बारे में ही वो रुद्र से बात करने आती है क्योंकि रुद्र ने वो कैमराज स्कूल में लगवाए थे एंड ही नोज़ द कंपनी बेसिकली, इसीलिए रेवती भी कमिश्नर और ऑब्वियसली एक माँ है तो उसे भी वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है देव का पता लगाने के लिए और उसने एक सुराग ढूंढा है कि जो स्कूल है उसके सामने से उसे एक फुटेज मिली है जहाँ पे देव स्कूल में एंटर करते हुए दिख गए, इसीलिए रुद्रप्रिशा थोड़ी सी टेंशन में है कि अब क्या होगा, अभी इतना बड़ा जो सबूत मिला उसका क्या होगा। खैर रेवती इसका पता तो लगा ही लेगी, उससे पहले रुद्र और प्रिशा आप दोनों को देव की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं ना तब तक आप दोनों को भी चैन नहीं पड़ेगा। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।